अभी हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर, जो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग उड़ीसा एवं आंध्रा को जोड़ता है। लेकिन अभी हम जहां पर खड़े हैं, यह भूमका नाला इसे कहा जाता है, जो कि यह इसको बने लगभग 35 से 40 वर्ष हो चुके होंगे। इसका समय सीमा समाप्त हो चुका है, इसका मियाद समाप्त हो चुका है, लेकिन लोग इस पुल से आना जाना अभी भी जारी है। और यह पुल की स्थिति ऐसी है कि एक ओर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अभी फिलहाल एक ही तरफ से लोग आना जाना कर रहे हैं, अपने वाहनों को ले जा रहे हैं। इस मार्ग पर लगभग 24 घंटे में 500 से 600 गाड़ियां चलती है। आप इस रूट से कब से गुजर रहे हैं? 7-8 साल हो गए। ये जो सामने भूमका नाला पुलिया आता है, वो कब से डैमेज है, कब से क्षतिग्रस्त है? 6-7 महीने से। तो उस रोड से आप गुजरते हैं, डर नहीं लगता? डर कैसे नहीं लगेगा, एक साइड एक ही पुलिया, इतना पुराना पुलिया है, उस पुलिया को पार करते वक्त ऐसा लगता है कि ये पुलिया कभी भी फंसक जाएगा। किसी दिन बड़ी दुर्घटना वहाँ पर टल सकती है, कोई ट्रक गिर सकती है, कोई बस का एक्सीडेंट हो सकता है, और एक साइड से आने एक साइड से जाने की वजह से हम लोग की गाड़ियाँ फेल होती है, जिसके कारण पैसेंजर काफ़ी नुकसान भरते हैं, मालिक नुकसान भरते हैं। अब इसकी जो व्यवस्था है आज तक सरकार को नज़र नहीं आ रही है। भूमका नाला ये कब से क्षतिग्रस्त है? ये तो साल भर हो गया साहब। तो इसके अलावा और कोई रास्ता है यहाँ से गुजरने के लिए? नहीं नहीं सर, दूसरा रास्ता कोई नहीं है इसके अलावा। तो ये रोड कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ? सर ये तो निकल जाता है विजयनगर तक और भी दूसरे स्टेटों में भी जाता है, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, मान लो ये पुल टूट जाता है पूरी तरह, तो लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? दूसरा रास्ता नहीं है साहब। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि SDO प्रज्ञानंद जी का लैंडलाइन नंबर है 077-82-22-71-15, फोन पर लैंडलाइन पर संपर्क कर इस मुद्दे को सुलझाएं, ताकि भविष्य में इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडा गांव, छत्तीसगढ़।